डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि टेस्ट से एक रोज पहले आप क्या करेंगे। आमतौर से किसी भी टेस्ट से एक दिन पहले या फिर रात में लोग बहुत ही परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो कहा जाता है कि इस दिन इतना ज्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी तो पहले से होती है और पहले से आप कर भी रहे हैं, लेकिन तो फिर उस रोज हम इतना ज्यादा परेशान क्यों। टेस्ट से एक रोज पहले यानी कल टेस्ट है, तो आज दिन में बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रहिए, अपने आप को थोड़ा फ्री रखिए। कहते हैं कि दिमाग पे ज्यादा बोझ भी मत डालिए, पढ़िए लेकिन कम पढ़िए, उन्हीं चीजों को पढ़िए जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगता हो। जाहिर सी बात है कि अब तक सारी चीजें जिसका एक दिन टेस्ट से एक दिन पहले, जाहिर सी बात है जो भी कैंडिडेट होगा वो सब कुछ तो पढ़ ही लेगा, रिवीजन कर ही लेगा। अब उस आखिरी दिन में भी कुछ ना कुछ तो पढ़ना तो है, तो आप उन चीजों को पढ़िए जो आपके लिए ज्यादा मुश्किल है, जिस पे आप कंफ्यूज करेंगे, उन चीजों को कहते हैं कि टेस्ट से एक दिन पहले उस पे एक नजर डाल लीजिए और उसे दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। और अपने आप को बिल्कुल अंडर प्रेशर में मत आइए, अपने आप को फ्री रहिए, अपने आप को ऐसा रिलैक्स रखिए ताकि आपके ऊपर टेस्ट का कोई भी प्रेशर ना पड़े। और फिर जब रात हो तो उस रात आप ऐसा मत करिए कि पूरी रात पढ़ें, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कहते हैं कि टेस्ट के दिन जितनी जल्दी आप उस रात में सो जाइए, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए। अगर आपका टेस्ट सपोज करिए 10 बजे से है, तो आप 6-7 बजे उठ जाइए, अच्छे तरीके से नहा धोवाकर रिलैक्स महसूस करते हुए नाश्ता वगैरह करके। कहते हैं कि उस रोज, जाहिर सी बात है कि टेस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और अपने अपने जगहों पे, रिश्तेदारों पे या होटलों में ठहरे हुए होते हैं, तो उस रोज अक्सर बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो कहते हैं कि टेस्ट सेंटर आप 1 घंटा पहले निकलिए, जरूरत की जो भी चीजें हैं एडमिट कार्ड के अलावा कलम वगैरह रख लीजिए, और भी जो एडमिट कार्ड में आपको जो निर्देश दिए गए हैं कि ये चीज लेकर आपको आना है, यानी शायद फोटो भी एक लेकर जाना होगा, उन चीजों को भी रख लीजिए। सब कुछ एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ होगा कि क्या चीज लेकर आपको टेस्ट सेंटर पे आना है, तो वो सारी चीजें बल्कि रात में ही एक जगह आप रख लीजिए ताकि सुबह आपको तलाश करना ना पड़े। और कम से कम 2 पेन भी रख लीजिए जिसके कुछ लीड थोड़े मोटे हों, ताकि सर्किल आपका ब्लैक जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर वो बारीक लीड वाला पेन अगर आपके पास होगा तो जाहिर सी बात है कि सर्किल को ब्लैक करने में ज्यादा टाइम लेगा। इस वजह से आप थोड़ा सा मोटा लीड वाला वो पेन लीजिएगा ताकि सर्किल जितनी जल्दी ब्लैक हो जाए, फिल हो जाए, उतने ही ज्यादा अच्छा है। मैंने OMR शीट कैसे भरेंगे, उसमें मैंने भी सारी बातें आपको बता दी थी कि सर्किल को आपको कैसे ब्लैक करना है। और आप घर से निकलिए तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में जब आप लोगों को देखेंगे, लोगों का हुजूम देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त काफी आपको आप परेशानी होगी और आप नर्वस भी होने लगेंगे कि इतने सारे लोग। तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट में तो बहुत सारे लोग अपीयर तो होते ही हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बेगर तैयारी वाले होते हैं। उसे देखकर आपको
कुछ भी नर्वस नहीं होना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए ये सोचिए कि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए और मैंने तैयारी की है, सबसे ज्यादा मैं जानता हूं तो मेरा ही होगा। ये अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखिए ताकि आप पे किसी तरह का कोई बोझ ना पड़े और आप नर्वस ना हो। आप भीड़ को देखकर आपको उससे ज्यादा असरअंदाज नहीं होना है, उसका प्रभाव आप अपने ऊपर ज्यादा मत लीजिए और टेस्ट सेंटर को आइए और बड़े आराम से वहां पे देखिए कि हम मेरा किस कमरे में पड़ा है, किस रूम में पड़ा है, वहां जाइए और बड़े सुकून से बैठिए और इन्विलेटर आएगा, आपको पहले ओएमआर शीट देगा। ओएमआर शीट में आपको जितने भी जो स्क्वायर वाले जो प्लेस होगा वहां पे नाम, रोल नंबर और भी सारी चीजें, बुकलेट कोड होगा या सेंटर कोड होगा, वो सब सारी चीजें आपको फिल करनी है। हमने ओएमआर शीट में हमने आपको सारी चीजें बता दी थी, या जो एडमिट कार्ड आया है उसमें नमूने के तौर पे जो आपके पास एक ओएमआर शीट भी है तो उसे आप अच्छी तरह से एक बार और अपने घर पे उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहाँ पे क्या भरना है, ताकि वहां पे भरते वक्त गलती ना हो। अगर कहीं पे गलती हो गई तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा और ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से हर चीजें भरें तो बड़े सोच समझकर भरें, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि पेन से भरना है, पेंसिल से नहीं भरना है कि अगर गलती हो गई तो हम उसे इरेज करके फिर से दोबारा भर लेंगे। तो बड़े मोहतात अंदाज में, बड़े सावधानी से, बहुत ही केयरफुली हर चीज को भरिए, क्योंकि नाम और रोल नंबर और जो भी उस पर कोड भरना होगा उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम अलग से मिलेगा, वो अलग से टाइम दिया जाएगा, वो 2 घंटे के अलावा होगा। इस वजह से उसे बड़े आराम से भरिए, जो ना समझ में आए उसे आप इन्विलेटर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या भरना है, कैसे सर्किल को ब्लैक करना है। आपको मैंने हर चीज ओएमआर, जब मैं ओएमआर शीट पे जब मैंने वीडियो अपना बनाया था उस पे मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे ओएमआर शीट भरेंगे, उसे आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। जो आपको एडमिट कार्ड के साथ जो सैंपल के तौर पे आपके पास जो आपने जो डाउनलोड किया है उसे आप अच्छी तरह से एक बार उसे फिल कर लीजिएगा, ताकि वहां पे किसी तरह की कोई गलती ना हो। और फिर उसके बाद कहते हैं आपको जब सवाल दे दिए जाएंगे बुकलेट की शक्ल में, तो मैंने बता दिया है ये भी कि आप टाइम मैनेज को करते हुए, टाइम मैनेज को कैसे करेंगे और उसे पहले हम किस सवाल को करेंगे उसका हमें टाइम का भी ख्याल रखना है और 2 घंटे में हमें सारे सवाल को भी करना है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट में मैंने बता दिया था कि पहले आप कौन कौन से सवाल को करें ताकि आपका टाइम कैसे मैनेज हो, यानी पहले जाहिर सी बात है कि जिस सवाल में टाइम कम लगता है हम उसे करेंगे, यानी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की सवाल को करेंगे, फिर उसके बाद साइंस में बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे और मैथ के लिए किसी तरह से हम 1 घंटे बचा के रखेंगे, क्योंकि मैथ ज़्यादा वक्त लेता है और हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो हम मैथ के सवाल को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैथ के सवाल में पहले आप उलझ गए तो जाहिर सी बात है कि मैथ का सवाल ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो आप नर्वस हो जाएंगे। आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल मत आने दीजिएगा और बड़े इत्मीनान से समझकर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करने की आप कोशिश करिएगा। फिर जब आपका 2 घंटा गुजर जाए, मैंने ये भी आपको बता दिया था कि आप 7-7 सर्किल को ब्लैक करिएगा। कभी कभी होता है, अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले बुकलेट पे सारा टिक मार्क कर लेते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में 10 मिनट में हम पूरे 100 सर्किल को हम ब्लैक कर लेंगे, तो ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि सर्किल को अच्छी तरह से ब्लैक करने में कम से कम 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। इस वजह से आप साथ साथ करते जाइए, सवाल पढ़िए, बुकलेट पे टिक करिए और फौरन ओएमआर शीट पे सर्किल को ब्लैक करिए, ताकि आपको आखिर में इसकी ज़रूरत ना पड़े कि हमें सर्किल को ब्लैक करना भी है और हम इतना टाइम बचा के रखें कि हम सर्किल को कैसे ब्लैक कर पाएं। हमने यह भी बता दिया है कि आपको जो सवाल ना आए उसे आप
तुक्का कैसे लगाएंगे उसकी भी ट्रिक हमने बता दी है। तो मैंने हर चीज आपको बता दिया है कि आप कैसे टेस्ट में अपियर होंगे, कैसे वहां पे जाएंगे, कैसे हॉल के अंदर टाइम को मैनेज करेंगे और फिर कैसे तुक्का लगाएंगे। और फिर उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाए तो उसके बाद वो अपना ओएमआर शीट इन्विलेटर के हवाले करके वहां से आप बाहर आइएगा। तो इन सब चीजों पे आप अगर अमल करेंगे तो यकीनन आपका टेस्ट या एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अपने टेस्ट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कामयाबी मिले। उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और घर बैठे सभी क्लास की रेगुलर और कॉम्पिटिटिव कोचिंग का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच।